नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए 5 जिलों के कलेक्टरों को 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर रायपुर को 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी प्रकार दुर्ग और बिलासपुर जिला के कलेक्टरों को 1-1 करोड़ रुपए, राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। कोविड सेंटर में पोस्टेड 150 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, 5 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलने का आरोप। कोविड सेंटर में पोस्टेड जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। कोविड सेंटर में पोस्टेड 150 जूड़ा के हड़ताल में जाने से व्यवस्था ठप हो गई है। जूड़ा ने पिछले 5 महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सभी कोविड सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब डॉक्टर्स के हड़ताल में चले जाने से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। बीएटीएड शिक्षक अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल स्थगित, सरकार के आश्वासन के बाद रद्द किया आंदोलन। डीएड बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन स्थगित हो गया। राज्य शासन के आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल रद्द कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट काल में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए उनके हित में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 14,540 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बस के ड्राइवर कंडक्टर से अवैध वसूली, नहीं देने पर मारपीट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस और बदमाशों के गठजोड़ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बस ड्राइवर से ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर एक बदमाश वसूली करते दिखाई दे रहा था। नहीं देने पर ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कोरोना से जंग जीत कर महंत नित्य गोपाल दास पहुँचे अयोध्या, कुछ दिन आइसोलेशन में रहेंगे। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने कोरोना महामारी से जंग जीत ली। संक्रमण से उबरने के बाद नित्य गोपाल दास अब अयोध्या पहुँच गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष एयर एम्बुलेंस से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। जिलाधिकारी अनुज झा के साथ यहां राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राम कुमार दास, हनुमानगढ़ी के महंत राम दास और अयोध्या के अन्य साधु संत ने एयरपोर्ट पर महंत का स्वागत किया। रूस ने बाजार में उतारा कोरोना टीका। रूसी अधिकारियों ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले बैच को आम जनता के उपयोग के लिए जारी किया है, जिसमें उम्मीद है कि अधिकांश रूसी नागरिकों को इस माह के भीतर घातक वायरस का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन जो संयुक्त रूप से सरकार और गेमालेया संस्थान द्वारा विकसित की गई थी, 12 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। परीक्षण के तीसरे चरण में होने के बावजूद टीके का उत्पादन शुरू किया गया था। तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन। तेलुगु एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। उनकी उम्र 74 साल थी। जयप्रकाश का निधन हार्ट अटैक से हुआ। उनके निधन से तेलुगु इंडस्ट्री में शोक की लहर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जयप्रकाश रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विवादों के बीच कंगना रनौत को मिला करनी सेना का समर्थन। मुंबई एयरपोर्ट से घर तक देगी सुरक्षा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद पर करनी सेना ने एक्ट्रेस का समर्थन किया है। कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद अब करनी सेना भी उन्हें सुरक्षा देगी। करनी सेना के नेता जीवन सोलंकी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता कंगना को सुरक्षा देंगे और मुंबई एयरपोर्ट से घर तक छोड़ेंगे। रिया ने आज पहली बार कबूली ड्रग्स लेने की बात, कल एनसीबी से साफ कर दिया था मना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कथित ड्रग्स एंगल को लेकर चल रही जांच के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश हुई। आज पहली बार रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। इससे पहले रिया इस बात पर अड़ी थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। यही नहीं, रिया ने एनसीबी को उन बॉलीवुड पार्टियों के नाम भी दिए हैं जहां ड्रग्स ली जाती है।
अब एनसीबी ड्रग्स केस में सुशांत के कोई स्टार्स और एक्टर्स समेत 25 बॉलीवुड सेलेब्स को समन करेगा। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।